को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से एक सेकंड टाइमर जॉकी की मिल्किंग दिखा रहे हैं, और जितने भी पशुपालक भाई देख पा रहे हैं, जो पहली बार स्क्रीन पे वीडियो को देख रहे हैं, वो ऐसे ही रेगुलर रूटीन से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। आज की वीडियो है राकेश जी के यहाँ से, गांव सुधराणा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा से। हर बार जितनी बार भी वीडियो कवर हुई, साथ साथ में दूध जरूर दिखाते हैं, बाकी ये भी खुद बोलते हैं कि आके भी अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। तो छः दांत जोटी दूसरे दांत की 5 दिन की ब्याई में 14 किलो दूध जो है इन्होंने रेकमेंड किया था, और साथ में मेल काफ आप देख पा रहे हैं सामने। ब्यूटी की बात करें जोटी में, बेजोड़ ब्यूटी है, मैं कहूँ छोटे से छोटा सीन। और एक बार आपको मिल्किंग है वो दिखाना चाहेंगे, ताकि सभी भाई हैं वो तो संतुष्टि से इसकी चुआई या इसकी थन की शेप देख सकें। देखिए खाली बाल्टी, और थन पसमाओं के बाद पीछे के थन बड़े आगे के छोटे। आज अगर मैं कहूँ कंपटीशन हो, तो ऊपर से जोटी और नीचे से बहुत ही अच्छी जो क्वालिटी की है, मैं कहूँ जो मेले में भैंसे जाती हैं मिल्क ब्यूटी में, दूध रोक के पशुपालक लेके जाते हैं, वहाँ पे अगर जोटी जाए तो मैं नहीं कहता कि फर्स्ट आए, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे कैंसुलेशन में आए, ब्यूटी इतनी अच्छी है इस पशुधन में। और जो बार बार वीडियो में बताया जाता है कि ज़्यादा ऊंचाई की भैंस है वो दूध भी इतनी सक्षम नहीं होती जितनी लंबाई की भैंस, इस जोटी में लंबाई बहुत ही ज़्यादा है। और फेस वैल्यू आप मानिए, फेस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए जी, बिल्कुल शो क्वालिटी का सीन, फेस 5 स्टार जोटी है जो बोलते हैं वो, इसका जो फेस आप देख पा रहे हैं सामने से, और जो है बिल्कुल ताज़ी ब्याई हुई, चुआई भी बहुत ही अच्छी है, ब्याइयों को क्लियर दिखाई पड़ रही होगी। कोशिश रहती है कि एक टाइम का मिल्क ना दिखाएं, लेकिन राकेश जी हर बार एक जिद होती है कि एक टाइम का दिखाइए, दूसरे टाइम किसी भाई को खरीदनी हो। नहीं, ये खुद भी एक चीज़ बोल रहे हैं और मैं भी बोल देता हूँ कि ये खुद बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी जो भी खरीदना चाहे आके देख सकता है। और मैं 2 किलो खाली होते हुए 2 किलो की बहुत अच्छी होगी। ये देखिए निकालो, खाली होते हुए 2 किलो दूध की जो अगाड़ी इस पशुधन की देखने को मिल रही है, सब आओ बहुत ही ठंडा, क्योंकि एक दूध वाली भैंस है ऑटोमेटिकली शांति होती है। तो सामने आप देख पा रहे हैं जो पीछे के थन की चुआई स्टार्ट कर दी है, चुआई बहुत ही साफ सुथरी देखने को मिल रही है। क्योंकि एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा, 2 दिन पहले एक पशुधन का अगर हम दूध देख रहे थे, वहाँ पे दूध दिखाया, अमृतसर से हमारे मित्र आए हुए थे, वहाँ दूध दिखाती है ज्योति 1 घंटे का टाइम लगने के बाद भी लगभग मानिए 7.5-8, और 2 दिन बाद उसी ज्योति की वीडियो आती है स्क्रीन पे, तो उसमें 20 किलो दूध, 22 किलो दूध ऐसे बताते हैं पशुपालक। जब ग्राउंड पे पशुपालक खरीदने आता है तो 2-4-5 हज़ार आमने सामने जब आँखें मिलती हैं, तो देने वाला भी दबता है और बात में भी दम होता है और देख के भी ले सकता है। आज हरियाणा में नए नए सोशल वर्कर हमारे भाई आए हुए हैं, अच्छी बात है, मेहनत कर रही हैं। हम तो कहेंगे कि हर टाइम जरूरी नहीं कि हर टाइम हमारा ही दौर हो, क्योंकि बदलाव समय के साथ जरूरी है, नए नए चेहरे सामने आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो भाई आए हैं जितने भी, वो पशुपालन की पूरी नॉलेज लें, क्योंकि बहुत से सोशल मीडिया पे 50 से मैं कहूँगा एक्स्ट्रा ही माने 60% वो पशुपालक हैं जिनको खरीदते टाइम भी पशु का ज्ञान नहीं, जितना सोशल मीडिया वाला बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा उतने ही ज़्यादा पेमेंट इन्वेस्ट करेंगे। पहले से कम वीडियो कवर इसीलिए कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा झूठ बोलने लगे वीडियोज में, तो प्रयास रहता है कि जो पशुपालक है जो हमारे टच में है उनकी वीडियो इसलिए बनाते हैं कि पता रहे। देखिए 20 किलो वाली भैंस अगर 17 किलो भी अगले पशुपालक के घर निकालेगी, तो किसान जो भाई खरीदने वाला है वो कभी मरता नहीं, उसको घाटा नहीं होता। लेकिन वो भाई आप मानिए जो दूध कभी भैंस ने दिया ही नहीं, और दूध बता देते हैं वीडियो में 20-22,
ऑनलाइन बिकती है तो बेचते हैं, घर आने का नाम हो तो ग्राहक को पहले ही मना कर देते हैं। तो उन भाइयों से बचें और एक जो दूध दिखा के बेचे उन भाइयों से पशु खरीदें। जी जी अच्छा अच्छा बारीक चार पैसे लगा दी जी एक चीज आप मान के चलिए राकेश जी, वही आदमी कामयाब है सोशल मीडिया पे जो अगर लेते टाइम है ना पशु का एक एक रूम रूम गिन के लेता है तो देते टाइम भी गिनने दो अगले को, पैसे दे रहा है। आज कोई 50,000 रुपए कमा के और गलत पशु दे उसमें वो चाहे एक दिन के लिए खुश होगा लेकिन वो निकल जाने हैं। लेकिन कई बार क्या है पशुपालन का व्यवसाय ऐसा है कि पशु जाके भी अपसेट हो जाता है, कई बार अपने पास भी ऐसा होता है गाड़ी में आगे बच्चा नहीं लगाती आने के बाद। हाँ तो इन चीजों का है ना थोड़ा ध्यान रखने में मजा है। कोई भाई अगर देख के लेके जाए तो फिर वो लंबा नहीं देता और जिसको देना है वो तो देखने के बाद भी दे देता है। लेकिन काफी टाइम पहले वीडियो जाती थी कि 60,000 में 20 किलो दूध, 70,000 में 20 किलो दूध। उस दिन एक भाई का फोन आया था कि उस साइड चलेंगे जिस साइड ये भैंसे मिलती है। मैंने एक बात कही थी 2 साल का टाइम आप मेरा मांगने पे दे दो, 2 साल बाद नहीं बिकेंगे। आज ना वो भैंसे हैं ना वो बेचने वाले हैं मार्केट में, क्योंकि झूठ है ना वो लंबा नहीं चलता। छोड़ दो बच्चे, पसीना निकलता है बोलने में तो वो जीभ हिलती है, निकालने में पसीना निकल जाता है। ये देखिए चुआई हो चुकी है और अभी आपको माप के दूध जो है दिखा दिया जाएगा, जितना भी होगा आपके सामने है जी। ज्योति बहुत ही शांत स्वभाव की, ये वीडियो है ना ये कई चीजें क्लियर करती है, पशु बच्चा लगाता है या नहीं लगाता, चुआई कैसी है, स्वभाव कैसा है। बाकी भैंसियाँ वो भी हैं ऐसी ऐसी भी आई हैं, एक टाइम अच्छी तरह से एक टाइम कूद कूद के दूध निकलवाएं। तो ताजी भैंसें कोशिश करें कि नापो जी, ताजी भैंसे खरीदे कोशिश करें जितने भी भाई जुड़े हैं। कच्ची भाई भैंसे बच्चे को भी लगाव रखती है और सेट भी हो जाती है नए वातावरण में। तो ये देखिए जी केजी जैसे लीटर भर रहे हैं, साइफन नहीं कि किसी भी तरह से साइफन आपको दिखे, मात्र 5 दिन की गई हुई और जो मिल्किंग आपको दिखा रही है। काफी भाई जो वीडियो बनवाने वाले हैं नहीं पहुंच पाते, मना कर देते हैं, दूसरों से बनवा लेते हैं, नाराज भी होते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम के बाद हम अच्छी तरह से सभी भाइयों की वीडियो भी कवर करेंगे। एक भाई जज्जर से भी एक भाई नाराज हो जाए वीडियो बनाने नहीं पहुंच पाए, तो जल्दी मार्केट में वापस आएंगे लेकिन विश्वासमंद वीडियो बनाएंगे जी, क्योंकि काफी कम टाइम में परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, संतुष्टि अपने को अपने काम से और साफ सुथरा काम। 6 लीटर दूध हो गया जी, केजी जैसे भर रहे हैं, कोई साइफन वगैरह नहीं। 14 दूध भाई ने रेकमेंड किया था और कहा था कुछ अभाव ही होगा, लेकिन आप मानिए थोड़ी बहुत वीडियो वाले दिन लेट भी हो जाती है टाइम से आधा पौना घंटा, क्योंकि वीडियो बनाने में हमने जी ठीक है जी ठीक है। तो राकेश जी का नंबर है स्क्रीन पे चल रहा है, कोई भी भाई खरीदना चाहे संपर्क कर सकता है, सभी भाई जुड़े सभी का धन्यवाद है जी। फिर मिलेंगे किसी जी जी फिर मिलेंगे किसी नए पशुपालक के यहाँ, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।